सबसे पहले देखो सिंपल मशीन क्या होता है कि मशीन एक ऐसा इक्विपमेंट है कह सकते हो, या ऐसी एक युक्ति है जिससे क्या करते हैं कम बल लगा करके अधिक से अधिक भार को उठाया जा सकता है। ठीक है, यानी कि यहाँ पे बल कम लगाएंगे मगर जो भार होगा वो ज्यादा उठा सकते हैं। ठीक है ना, ज्यादा उठा सकते हैं, कम बल लगा करके ज्यादा उठा सकते हैं भार, यानी एक ऐसा साधन है जिससे हम कम प्रयास करें, प्रयास कम करें और भार ज्यादा उठाएं। तो यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं अभी नोट मत करो, ठीक है, ये वीडियो खुद ही अपलोड हो ही जाएगा तो आराम से उससे नोट कर लेना, क्योंकि अगर नोट करोगे तो टाइम बहुत ज्यादा लगेगा। मैं कोशिश करूंगा कि 1 घंटे में इसको फिनिश कर दूं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या मतलब जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं इसमें क्या है कि मशीन का पहले डिफिनीशन, मशीन की जो डिफिनीशन हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, मशीन की जो डिफिनीशन होगी कि कम बल लगाकर, है ना, कम बल लगाकर अधिक से अधिक भार को उठाया जा सकता है, अधिक भार को उठाया जा सकता है। ठीक है, अधिक भार को उठाया जा सकता है, इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पे बल हमको कम लगाना पड़ रहा है। अगर मान लो केवल अगर आदमी काम करे तो उसको बल ज्यादा लगाना पड़ेगा, मगर अगर किसी मशीन के जरिए अगर काम करे तो उसको बल कम लगाना पड़ेगा। ठीक है, और काम बहुत ज्यादा होगा, बहुत तेजी से होगा, समय का बचत होगा, इसीलिए मशीन का उपयोग किया जाता है। ठीक है, अब इसमें देखो जो इंपॉर्टेंट है वो क्या याद रखना है कि जो बल लगाते हैं केवल मशीन में तीन चीजें याद रखनी है, पहली चीज इनपुट, ठीक है, दूसरी चीज आउटपुट, और उसके बाद उससे फायदा क्या मिला, इस चैप्टर का यही कंक्लूजन है। ठीक है, इफिशियंसी, इफिशियंसी, ठीक है, दक्षता, इसको हिंदी में बोलते हैं दक्षता। ठीक है, तो बस तीन चीजों से मतलब है, जो तुम बल लगाते हो क्या है, इनपुट है ना, जो बल लगाते हो क्या है, इनपुट है, और जो बल लगाते हो उसको बोलते हैं पी, यानी प्रयास बल, उसको याद रखोगे, इसको क्या बोलते हैं, प्रयास बल बोलते हैं। ठीक है, जब तुम बल लगाए, ठीक है, तो तुमने क्या किया, प्रयास किया, तो उसके बाद हुआ क्या, रिजल्ट क्या मिला, आउटपुट मिला, और जो आउटपुट मिला क्या हुआ कि कोई एक भार रखा हुआ था है ना, उसको डब्लू से दिखाते हैं, डब्लू को तुम उठाते हो, मतलब क्या हुआ कि इनपुट मिला फिर क्या हुआ, आउटपुट हुआ। भाई जब तुम इनपुट दोगे, बल लगाओगे तो कोई ना कोई भार उठाओगे, तो जो भार उठाते हो क्या होता है, डब्लू होता है। अब इन दोनों का जो रेशियो होता है उसको बोलते हैं मैकेनिकल एडवांटेज, क्या होता है, मैकेनिकल एडवांटेज, यांत्रिक लाभ। ठीक है, तुम्हें मतलब शॉर्ट में पढ़ा रहा हूँ, इसको बस सुनते चलो, याद होता चला जाएगा। ठीक है, बाद में नोट बना लेना, अगर नहीं आएगा तो फीटर वालों से कॉपी ले करके उससे लिख लेना, उसमें डिटेल लिखा हुआ है। ठीक है, क्योंकि मैं सारी चीजें लिखूंगा तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा यहाँ पे। ठीक है, बस नोट इसमें से बना लेना। तो यहाँ पे देखो एक चीज क्या मिला, मैकेनिकल एडवांटेज को अगर याद करना है कि डब्ल्यू ऊपर होता है तो पी नीचे होता है, अगर ये याद करना है तो तुमको बस इस ये याद रखना है कि आउटपुट अपॉन इनपुट, कोई भी काम मशीन में होता है तो हमेशा क्या होता है, आउटपुट अपॉन इनपुट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो आउटपुट है क्या है, डब्ल्यू है, और इनपुट क्या है, पी है, तो तुम्हें याद हो जाएगा कि जो मैकेनिकल एडवांटेज होता है वो क्या होता है, डब्ल्यू अपॉन पी। मैकेनिकल एडवांटेज को क्या बोलते हैं हिंदी में, यांत्रिक लाभ, इसको याद कर लेना, क्या होता है ये, यांत्रिक लाभ, एडवांटेज का मतलब ही होता है यांत्रिक लाभ। ठीक है, लाभ होता है, एडवांटेज का मतलब होता है लाभ, और मैकेनिकल का मतलब होता है यांत्रिक। मैकेनिकल को समझने के लिए तुम ये समझ सकते हो, जनरेटर देखे हो ना, जनरेटर, जब जनरेटर का इस्तेमाल करते हैं तो उसमें क्या करते हैं, जो पहले जनरेटर आते थे तो क्या करते थे, हैंडल मारते थे, हैंडल मार के उसको स्टार्ट करते थे, तो जो हैंडल मारता है वो कौन मारता है, आदमी, आदमी मारता है, तो आदमी क्या करता है, एक मैकेनिक की तरह काम करता है, तो जो आदमी हैंडल मारा वो क्या हुआ, मैकेनिकल एनर्जी हुआ है ना, और जब हैंडल मारा जनरेटर स्टार्ट हुआ तो क्या हुआ, पूरी लाइटें जल गई, और जो लाइटें जल रही हैं वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी से चलती हैं, इसीलिए कहा जाता है कि जो जनरेटर होता है वो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करता है, समझ गए, तो जो आदमी ने काम किया वो मैकेनिकल एनर्जी में हुआ, और जो उसके बाद जो काम हो रहा है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में हो रहा है, तो जनरेटर एक तरह से कन्वर्टर का काम कर रहा है, मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल में बदल रहा है। ठीक है, तो मशीन से फायदा होता है। अब उसके बाद देखो इसमें क्या होता है कि जो मैकेनिकल एडवांटेज का डिफिनेशन समझ आ गया कि भार और प्रयास बल के अनुपात को यांत्रिक लाभ कहते हैं। देखो भार ऊपर है W, और प्रयास बल कहाँ है, नीचे है, तो इसके अनुपात को क्या बोलेंगे, यांत्रिक लाभ बोलते हैं। ठीक है, अब देखो जो भार होता है इसका भी मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है, क्या होता है, न्यूटन होता है, और जो बल होता है इसका भी मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है, तो ये दोनों पूरा का पूरा क्या हुआ, कट गया, तो इसीलिए कह सकते हैं कि जो यांत्रिक लाभ होता है इसका कोई इकाई नहीं होता है, तो इसकी कोई इकाई नहीं होती,
इतना बात क्लियर, कोई काई नहीं होती है, ठीक है ना, इसकी कोई काई नहीं होती है, यानी यांत्रिक लाभ का डेफिनेशन याद हो गया, आउटपुट अपॉन इनपुट, ठीक है, डब्ल्यू अपॉन पी, इसका कोई मात्रक नहीं होता है। अब इसके बाद आता है वेलोसिटी रेशियो, क्या आता है, वेलोसिटी रेशियो, ठीक है, इसको बोलते हैं वी आर से, बोलते हैं इसको वी आर से रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। तो जो वेलोसिटी से तुम्हें ए समझ में आ रहा होगा कि ये वेग का अनुपात होगा, है ना, मगर ये वेग का अनुपात नहीं होता है, ध्यान देना, ये वेग का अनुपात नहीं होता है। ये मत सोचना कि वेलोसिटी का मतलब, इसका अगर हिंदी में नाम क्या है, वेगानुपात, हिंदी में वेगानुपात बोलते हैं, ठीक है। तो ये मत सोचना कि ये वेग का अनुपात है, ये वेग का अनुपात नहीं होता, ये दूरी का अनुपात होता है, ठीक है, ये किसका अनुपात होता है, दूरी का अनुपात होता है। इतना बात समझ में आया, अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आएगा तो तुमसे पूछेगा कि वेलोसिटी रेशियो दूरी का अनुपात होता है कि वेग का अनुपात होता है कि बल का अनुपात होता है, तो तुम्हारा आंसर क्या होगा, दूरी का अनुपात होता है, ठीक है, इसलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट था। तो अब यहाँ पे जो दूरी का अनुपात होता है, तो मैंने क्या बोला कि जो मशीन होती है उसमें दो ही चीज होती है, क्या होती है, इनपुट और आउटपुट। तो मतलब इनपुट के द्वारा चली गई दूरी है ना, यानी इनपुट के द्वारा चली गई दूरी और आउटपुट के द्वारा चली गई दूरी, दो ही चीज होता है। तो आउटपुट का मतलब होता है भार द्वारा, भार द्वारा चलित दूरी, यहाँ पे जो होगा भार द्वारा चलित दूरी होगा, और ये क्या होगा, प्रयास द्वारा चलित दूरी, ठीक है, प्रयास द्वारा चलित दूरी। तो एक चीज ध्यान देना यहाँ पे, वहां पे तुमने क्या पढ़ा था कि W अपॉन P पढ़ा था, यानी भार अपॉन प्रयास, यही पढ़ा था ना। तो यहाँ पे जो उल्टा होगा, इसका अनुपात उल्टा हो जाएगा यहाँ पे, वहां पे तुमने क्या पढ़ा था, देखो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, मैकेनिकल एडवांटेज में तुमने पढ़ा था W अपॉन P, तो यहाँ पे जो हाँ V अपॉन V R में पढ़ोगे कि P अपॉन W, तो P क्या, P द्वारा दूरी, चलित दूरी, ऐसे बोलोगे, क्योंकि ये तो दूरी का अनुपात होता है ना, P द्वारा चलित दूरी और W द्वारा चलित दूरी। तो डिफिनेशन याद हो गया कि जो वेगानुपात होता है वो प्रयास द्वारा चलित दूरी और भार द्वारा चलित दूरी के अनुपात के बराबर होता है, ठीक है। अब दूरी दोनों है, ऊपर भी दूरी है नीचे भी दूरी है, तो दूरी का मात्रक मीटर होता है ऊपर नीचे दोनों जगह, तो मीटर से मीटर क्या होगा, कट जाएगा। तो जो मात्रक इसका क्या मिला, कोई नहीं, इसका कोई मात्रक नहीं होता है। इतना बात समझ में आ गया, क्लियर। अब देखो अब क्या होता है, अब इसके बाद आती है बात इफिशियंसी की, किसकी बात, इफिशियंसी, जो मशीन होती है उसकी इफिशियंसी का मतलब दक्षता, ठीक है। तो अगर दक्षता की अगर बात करें तो दक्षता हमेशा इस तरह से दिखाते हैं, इफिशियंसी दक्षता होता है आउटपुट अपॉन इनपुट, ठीक है। तो यहां पे जो आउटपुट है वो कितना है, अच्छा इसको अभी रोके रहो, अब यहां पे देखो जो मशीन है, मशीन, ठीक है, मशीन है, ठीक। तो मशीन में दो चीजें तुमको क्लियर हो गई कि एक होता है इनपुट और एक होता है आउटपुट। अब जो इनपुट देते हो वो प्रयास बल से देते हो, ठीक है, बल कौन सा लगाते हो, प्रयास बल लगाते हो। तो जब प्रयास बल लगाते हो तो कुछ दूरी वो चलता होगा, है ना, तो उस दूरी को बोलते हैं 2π, दूरी मान लो d, प्रयास बल द्वारा चलित दूरी d, कैपिटल d मान लो, ठीक है, प्रयास बल द्वारा चलित दूरी कितना मान लिया, कैपिटल d मान लिया, ठीक है, और भार, भार मतलब w द्वारा चलित दूरी को क्या मान लिया, स्मॉल d मान लिया। एक चीज ध्यान से सुनो कि जैसे मान लो कोई मशीन है, मशीन के द्वारा जब तुम बल दोगे, जब बल दोगे तो क्या होगा, कुछ दूर वो चलेगा, मगर ये हो सकता है कि जितना तुम बल दिए हो उतना दूर चलना चाहिए था उसको, मगर जो भार रखा हुआ है वो भारी भरकम है, तो हो सकता है वो कम दूर चले, या बहुत हल्का है तो तुम्हारी ये पच्छा के अनुपात हो सकता है वो ज्यादा दूर चले, तो ये तो डिपेंड करता है। इसलिए मैंने दोनों दूरी को अलग अलग लिया है, इसको कैपिटल डी लिया है और इसको स्मॉल डी लिया है, ठीक है, एक कम ज्यादा हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जो तुमने प्रयास बल लगाया वो ये उसके हिसाब से दूरी चलेगा, और जो भार होगा जो आउटपुट होगा उसके हिसाब से ये दूरी चलेगा, ठीक है। तो जो इनपुट मिला वो क्या मिला, प्रयास बल इंटू चलित दूरी, प्रयास द्वारा चलित दूरी, ये लिख लोगे पूरा, इसको बोलते हैं प्रयास बल, और ये क्या होती है, प्रयास द्वारा चलित दूरी, और जो आउटपुट होता है वो क्या होता है, भार इंटू भार द्वारा चलित दूरी। इतनी बात समझ में आ गई। अब उसके बाद देखो, अब इसी दोनों डाटा को मैं यहाँ पे रखने वाला हूँ, ठीक है, ये समझ गए ना, डी क्या है और स्मॉल डी क्या है, ये भार के लिए है तो ये भार द्वारा चलित दूरी है, और ये प्रयास के लिए है तो प्रयास द्वारा चलित दूरी है, ठीक है। तो आउटपुट की अगर वैल्यू रखें तो यहाँ पे क्या मिलेगा, W इंटू डी स्मॉल डी, यहाँ पे स्मॉल डी माना है ना,
उसे घबराने की जरूरत नहीं है, वो कम ज्यादा हो सकता है। और यहाँ पे P इंटू क्या हो जाएगा, कैपिटल D हो जाएगा। अच्छा, W अपॉन P को तुम क्या बोलते हो, W अपॉन P मैं ऐसे लिख लेता हूँ, हाँ, और ऐसे अलग अलग कर देता हूँ, ठीक है। इसको तुम क्या बोलते हो, मैकेनिकल एडवांटेज बोलते हो ना। और स्मॉल D अपॉन कैपिटल D को क्या बोलोगे, ध्यान से, हाँ देखो, D और इस वाले D को मैं नीचे ला रहा हूँ भाई, ये D यहाँ पे है ना, ऐसे कर सकते हो, इस D को क्या कर रहे हैं, नीचे ला रहे हैं, ठीक है। देखो वन कर दिया, और इसको D अपॉन ऐसे लिख सकते हो कि नहीं, ये D पलट के ऊपर ही तो जाता है। तो अब यहाँ पे देखो ये क्या मिला, कि प्रयास द्वारा चलित दूरी अपॉन भार द्वारा चलित दूरी, इसको बोलते हैं वेलोसिटी रेशियो, ठीक है। तो एम ए मिला, और वन अपॉन इस पूरे को क्या बोलते हो, वेलोसिटी रेशियो। तो यहाँ पे जो डिफिनेशन मिल गई, क्या मिली, एम ए अपॉन वी आर, जो इफिशियंसी होती है वो क्या होती है, यांत्रिक लाभ और वेलोसिटी रेशियो का अनुपात होता है, ठीक है। इतना बात समझ आया कि कैसे डिफिनेशन मैंने प्रूफ किया, क्या किया, पहले मैंने इनपुट का डिफिनेशन बताया कि इनपुट क्या होता है, कि प्रयास और प्रयास द्वारा चलित दूरी के गुणनफल को इनपुट बोलते हैं, और भार द्वारा चलित दूरी के गुणनफल को आउटपुट बोलते हैं। जो इफिशियंसी होता है वो आउटपुट अपॉन इनपुट होता है, इसीलिए मैंने यहाँ पे वैल्यू रख दिया, ठीक है। अब जो हमें वी आर का वैल्यू पता था वो क्या था, कि प्रयास द्वारा चली दूरी अपॉन भार द्वारा चली दूरी चाहिए, और यहाँ पे भार ऊपर है, देख लो ये भार द्वारा है और ये क्या है, प्रयास द्वारा है। तो मैंने इसको थोड़ा सा पलट दिया, इस तरह से बना दिया, तो ये हो गया प्रयास अपॉन भार, और इसको बोलते हैं वेलोसिटी रेशियो। तो हमारा डिफिनेशन क्या मिल गया, एम ए अपॉन वी आर। इतना बात क्लियर हो गया। अब उसके बाद देखो फॉर आइडियल मशीन, फॉर आइडियल मशीन, जो आइडियल मशीन होता है, बता रहे हैं आदर्श मशीन, ठीक है। इसकी दक्षता मतलब इसमें कोई लॉस नहीं होता, जो आइडियल होता है ना इसमें क्या होता है, कोई भी लॉस नहीं होता, यानी ये फ्रिक्शन लेस मशीन होती है, फ्रिक्शन लेस मशीन, इसमें कोई फ्रिक्शन नहीं होता, कोई घर्षण नहीं होता, ऐसी मशीन को बोलते हैं आइडियल मशीन, ठीक है। इसकी दक्षता 100% होती है, कितनी होती है, याद कर लेना, आइडियल मशीन की दक्षता कितनी होती है, 100% होती है, और 100% का मतलब 1 होता है। तो तुम कह सकते हो कि आइडियल मशीन के कंडीशन में उसकी जो इफिशियंसी होती है वो क्या होती है, 1 होती है या 100% होती है, ठीक है। तो इफिशियंसी का अभी मैंने डेफिनेशन पढ़ा कि एम ए अपॉन क्या होता है, वी आर होता है। अब आइडियल मशीन के कंडीशन में इसके जगह पे क्या रख सकते हो, 1 रख सकते हो, तो एम ए अपॉन क्या हो गया, वी आर हो गया, इसका इधर क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। तो कह सकते हो कि वी आर बराबर एम ए, 1 अपॉन कहां होगा, इधर वी आर है, इधर जाके गुणा होगा ना, तो वी आर अपॉन वी आर इक्वल टू एम ए हो जाएगा। इतना बात समझे, तो मतलब जो आइडियल मशीन होता है उसमें जो यांत्रिक लाभ होता है वो वेगानुपात के बराबर होता है, ये बात हमको बतानी थी, क्लियर हो गया। कि यहाँ पे जो आइडियल मशीन होता है उसके लिए क्या होता है, यांत्रिक लाभ वेगानुपात के बराबर होता है। इतनी बात समझ में आ गई, हाँ, यहाँ पे कोई लॉस नहीं हो रहा है ना, जितना इनपुट दे रहा हूँ उतना टोटल मिल रहा है, तो आइडियल मशीन का काम ही यही है, तभी तो उसकी दक्षता 100% है, कि हम जितना बल लगाएं हमें उतना रिजल्ट मिलना चाहिए। तो अगर वो देखो आज के समय में आइडियल कुछ भी नहीं है, क्योंकि कुछ न कुछ लॉस कहीं ना कहीं हो जाता है, मगर पढ़ने को देखो बिना फ्रिक्शन का कोई भी काम ही नहीं करेगा, कोई भी मशीन लगाओगे फ्रिक्शन जरूर होगा, फ्रिक्शन लेस मिलना नहीं है। तो आइडियल मशीन के बारे में बस ये जान लो कि फ्रिक्शन नहीं होना चाहिए, और ऐसा मशीन मतलब 99% पॉसिबल ही नहीं है कि बिना फ्रिक्शन की कोई मशीन चले, ठीक है। यानी आइडियल आज के समय में कोई नहीं है, यानी तुम ये कह सकते हो, हाँ, कोई भी मतलब कुछ भी हो आज के समय में कोई परफेक्ट नहीं है, कोई भी आदमी परफेक्ट नहीं है, तो कोई मशीन कैसे परफेक्ट हो सकता है, सही बात है कि नहीं। कि अगर आदमी अगर परफेक्ट होता तो 100% इनपुट के साथ 100% आउटपुट देता, मगर ऐसा पॉसिबल नहीं है, हर आदमी से गलतियां होती हैं, ठीक है। आदमी होता ही है यार गलत करने के लिए, तो मशीन तो आदमी बनाया है ना, तो 100% कहां से एक्यूरेट हो जाएगा। बस ये हम लोग पढ़ रहे हैं आइडियल मशीन के लिए, बाकी 100% का एग्जांपल नहीं दिया जा सकता, क्लियर। आगे बढ़े, इतना समझ में आ गया कि नहीं। अब उसके बाद देखो सिंपल मशीन का टाइप क्या क्या है, सरल मशीन के प्रकार पूरा डिटेल बता दिए हैं, अब इससे ज्यादा नहीं बता सकते, समझ में आ गया ना। उतना अच्छा तुम लोग को भी नहीं बताए थे, अब इसके लिए सॉरी, मगर इस बार देख लो, अब समझ लो, नहीं समझ में तो आएगा ही। हाँ, सरल मशीन के प्रकार, टाइप्स ऑफ सिंपल मशीन, समझ में आ रहा है ना।
टाइप्स ऑफ सिंपल मशीन। ठीक है, अब इसमें देखो जो पहली टाइप है वो है पुली। पुली का बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है ना, घर में पुली वगैरह नहीं लगी रहती है, नहीं देखे हो, कुएं से पानी खींचे हो, कुएं से जब पानी निकालते हैं तो वहां पे एक पुली लगी होती है, बाल्टी जाता है ना, बाल्टी से तुम पानी वगैरह निकालते हो, ऐसा होता है। तो सबसे पहले देखो पुली बताएंगे, उसके बाद इंक्लाइंड प्लेन बताएंगे। ठीक है, इंक्लाइंड प्लेन आनत कल। ठीक है, तो पुली वाले में देखो पुली कैसा होता है, गोलाकार होता है। तो इसमें लिख लोगे ए भी, मतलब ऑप्शन ऑप्शन वाला क्वेश्चन है, पुली होता है गोलाकार। ठीक है, ये किसका बना होता है, लकड़ी का बना होगा या मेटल का बना होगा। ठीक है, लकड़ी का बना होगा या किसका होगा, मेटल का बना होगा। और पुली कुछ इस तरह से होता है गोलाकार। ठीक है, तो ये क्या करता है, अपने अक्ष पर स्वतंत्रता पूर्वक घूमता है, अक्ष पर घूमता है। ठीक है, अक्ष पर घूमता है। ठीक है, ये अक्ष पे स्वतंत्रता पूर्वक घूमता है। अब इसमें जो पुली का टाइप है वो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है, टाइप्स ऑफ पुली, तो देखो टाइप्स ऑफ पुली में पहला पुली है, हेडिंग डालोगे टाइप्स ऑफ पुली, इसमें पहली पुली है फिक्स्ड पुली, है ना। ये पुली कैसी है, फिक्स है। ये मैंने क्लास में कराया था कि नहीं कराया था, अभी नहीं कराया था, तो अब यहां से स्टार्ट हो रहा है तुम लोग का नया, है ना। स्थिर घिरनी, इसको घिरनी बोलते हैं। ठीक है, हाँ, तो इसमें होता क्या है कि जो स्थिर घिरनी होती है ना, स्थिर का मतलब क्या हुआ, रुकी हुई घिरनी होती है। ठीक है, रुकी हुई घिरनी होती है। तो यहाँ पे जो स्थिर घिरनी में प्रयास बल चलित दूरी भार द्वारा चलित दूरी के बराबर होता है। यहाँ पे जो स्थिर घिरनी होती है, यहाँ पे जो प्रयास बल द्वारा चलित दूरी था वो भार द्वारा चलित दूरी के क्या होता है, बराबर होता है। ठीक है, तो इन दोनों का अगर हम लोग एक्स मान लें, ठीक है, इन दोनों का अगर हम लोग एक्स मान लें, तो उस कंडीशन में क्या आएगा कि अगर मान लो ये दोनों दूरी जब बराबर है, ठीक है ना, ये दोनों दूरी बराबर है और जो प्रयास बल होता है, ये दूरी तभी बराबर होगा जब प्रयास बल और भार दोनों क्या हो, बराबर हो। सही बात है कि नहीं, कि भाई प्रयास बल और भार अगर दोनों बराबर होगा तभी ये दूरी बराबर होगा। अगर वो कम ज्यादा होगा तो अगर तुम प्रयास बल उतना लगा रहे हो तो हो सकता है ज्यादा दूर चला जाए, है ना, हो सकता है कम दूर चला जाए। तो ये तभी पॉसिबल है जब दोनों क्या हो, बराबर हो। तो मतलब एक कंडीशन मिल गया कि स्थिर घिरनी में प्रयास बल और भार बल दोनों बराबर होता है, और प्रयास द्वारा चलित दूरी और भार द्वारा चलित दूरी भी क्या होता है, बराबर होता है। जब पूरी कहानी ही बराबर है तो तुम कह सकते हो कि जो मैकेनिकल एडवांटेज है वो भी किसके बराबर होगा, वीआर के बराबर होगा। इसको तुम प्रूफ कर सकते हो कैसे, कि एमए बराबर क्या होता है, अरे एटा बराबर क्या होता है, आउटपुट अपॉन इनपुट होता है ना। तो यहाँ पे देखो ये क्या होता है, आउटपुट क्या होता है, W इंटू डी होता है, और ये क्या होता है, P इंटू कैपिटल D। अब दोनों के दोनों ए भी बराबर है इसके, तो ए इससे कट सकता है, ए इसके बराबर तो ए भी कट जाएगा, तो वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई, है ना। तो तुम कह सकते हो कि जो स्थिर पुली होती है उसका दक्षता कितना होता है, 1 होता है। ठीक है, हाँ, आइडियल मशीन की तरह ही काम करता है, ये कह सकते हो कि स्थिर पुली को आइडियल मशीन की तरह कह सकते हो। एक एग्जाम्पल इसका मिल गया कि आइडियल मशीन का एक एग्जाम्पल कौन है, स्थिर पुली, फिक्स्ड गिरनी। ठीक है, तो अब यहाँ पे अब स्थिर गिरनी है तो घर्षण करेगा कहां से भाई, आउटपुट कुछ देना ही नहीं है, मतलब जो इनपुट दे रहा हो उतना ही मिल रहा है, तो घर्षण तो हुआ ही नहीं, तो आइडियल तो होगा ही होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे देखो जब जो एटा होता है वो मैकेनिकल एडवांटेज अपॉन वीआर होता है, वेलोसिटी रेशियो। तो तुम यहाँ पे ये भी कह सकते हो कि जो मैकेनिकल एडवांटेज है वो वीआर के क्या होता है, बराबर होता है। यानी यहाँ पे चार बातें पता चली, कौन कौन सी, कि जो स्थिर गिरनी होती है उसमें भार द्वारा चलित दूरी, प्रयास द्वारा चलित दूरी बराबर होता है। ठीक है, उसमें प्रयास बल और भार बल बराबर होता है, उसका इफिशियंसी 1 होता है, उसका मैकेनिकल एडवांटेज और वीआर बराबर होता है। ये चार पांच चीजें याद हो गई, क्योंकि ये याद करना पड़ेगा जब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अभी मैं कल कराऊंगा तो वहां पे इसकी जरूरत पड़ेगी।